हेलो फ्रेंड्स दिस इज त्रुप्ती एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू यूर मोर ब्यूटीफुल चैनल एन पी सी वैर कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फिजिक्स एंड जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन किए थे क्लास ट्वेल्थ ठीक है अभी हम क्या कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स के टर्म वन की प्रिपरेशन ठीक है तो अभी तक जो हमारे इस चैनल पर चैप्टर्स हुए हैं कंप्लीट उसके हम असर्शन रीज़न कैश स्टडी बेस्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो असर्शन एंड रीज़न के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे एंड आज के लेक्चर में हम कैश स्टडी बेस्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन लिए हैं मैंने ठीक है दो टॉपिक्स लिए हैं जिन पर बेस्ट 5 5 क्वेश्चंस हैं ठीक है थीके? आपको एग्जाम में भी यहाँ टू टॉपिक्स आने वाले हैं ठीक है मींस टू क्वेश्चंस आने वाले हैं और उसके जो सब क्वेश्चंस हैं दैट इज फोर क्वेश्चंस होंगे ठीक है वन क्वेश्चन के फोर सब क्वेश्चंस होंगे सो टोटल क्वेश्चंस आपको एट क्वेश्चंस मिलेंगे ठीक है तो केस स्टडी बेस्ड द आपके टर्म वन में आने वाला है और इसके लिए इसके लिए आपको हर चैप्टर की डिटेल स्टडी करना है क्योंकि हर चैप्टर में से कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक आ जाएगा ठीक है उसके बारे में कुछ लिखा होगा कुछ पैराग्राफ में लिखा होगा और उसी पर बेस्ट फोर क्वेश्चंस आपको करने होंगे ठीक है आज के लेक्चर में हम टू क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड टू क्वेश्चंस बेस्ड होंगे फर्स्ट टॉपिक इज कुलम स्लो सेकेंड टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ठीक है ये हमने बता दिया अब स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास ओके सो कूलम स्लो फर्स्ट आपका जो पॉइंट है या फर्स्ट आपका केस स्टडी बेस्ट क्वेश्चन है दैट इज कूलम प्लो अब कूलम प्लो के बारे में आपने पूरा डिटेल स्टडी किया है चैप्टर फर्स्ट में ठीक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में कूलम स्लो पर पूरा आपने स्टडी किया है ठीक है उसी पर बेस्ड कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ दिए हुए हैं और उन पॉइंट्स पर ठीक है उस पैरा पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको इससे सॉल्व करना है ठीक है चलिए हम पहले स्टडी करते हैं इस पैराग्राफ को और उसके बाद में जो भी गिवन क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं ओके सो कूलम्स स्लो स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज गिवन बाय ठीक है कूलम्स स्लो अगर टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन ठीक है वो क्या होगा एफ इज इक्व टू वन बाई फोर बाय एफ सेवन नॉट इन टू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर ठीक है ये जो स्टेटमेंट है टू चार्जेस के बीच जो फोर्स क्रिएट होगा उसका जो स्टेटमेंट है वो कुलम ने दिया है और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है ठीक है यहाँ चार्जेस जो है चार्जेस के मल्टीप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ठीक है फोर्स अगर इंक्रीज होगा तो चार्जेस ऑब्वियसली इंक्रीज होंगे ठीक है एंड डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन द सेंस अगर आप चार्जेस है डिस्टेंस पर जाएंगे कुछ डिस्टेंस पर जाएंगे देन फोर्स विल बी डिक्रीजेस ओके यहाँ पर गिवन है आपको टू पॉजिटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव अगर सेम नेचर के चार्जेस हैं तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे ठीक है यहाँ पॉजिटिव भी ले सकते हैं नेगेटिव भी ले सकते हैं ठीक है अभी हमने पॉजिटिव लिया है तो पॉजिटिव क्यू वन एंड क्यू टू चार्जेस हैं और उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करेगा बिटवीन अपोजिट डायरेक्शन ठीक है अपोजिट क्यू वन जो फोर्स लगेगा ड्यू टू क्यू टू इज एफ वन टू ठीक है एफ वन टू को हम कैसे लिखते हैं जिस चार्ज पर फोर्स क्रिएट हो रहा है ठीक है वन पर क्रिएट हो रहा है तो उसको एफ के जस्ट पास में ठीक है ये सब फिक्स में लिखा हुआ है एंड जिसके कारण ठीक है जिसके कारण फोर्स क्रिएट होगा इस चार्ज पर उसको आपको वन के बाद में लिखना है ठीक है तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज एफ वन टू ठीक है एंड फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इज़ एफ टू वन ठीक है इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज आर ओके क्लियर है यहाँ तक वेल एफ डिनोट्स द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू सेपरेटेड बाई द डिस्टेंस ये मैंने बता दिया ठीक है डिस्टेंस एंड यहाँ पर ये जो पूरा टर्म है दिस इज द कॉन्स्टेंट टर्म क्योंकि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर मीन्स डिस्टेंस के बट ये वाला जो टर्म है दिस इज द कॉन्सटेंट टर्म ठीक है अब यहाँ पर इससे हम जनरली के से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है के इज द कॉन्सटेंट कॉन्स्टेंट टर्म एंड हियर एप्सलर नॉट के की जो वैल्यू होगी ये इज इक्वल्स टू फोर पाई एप्सलर नॉट और के की जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है दैट इज नाइन इंटू नाइन टेन पावर नाइन ठीक है और इसका यूनिट क्या होगा तो यूनिट यहाँ से आप निकाल लीजिए ठीक है ये आर इधर चला जाएगा ठीक है आर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा क्यू वन क्यू टू यहाँ डिनोमिनेटर में सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये यूनिट हो गया ठीक है दिस इज दिस इज द वैल्यू ऑफ के नाउ एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ठीक है ये एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है एंड जो ये कॉन्स्टेंट टर्म है या एप्सलॉन नॉट है इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किसपे नेचर ऑफ चार्जेस पे ठीक है एप्सिलॉन की वैल्यू ना तो क्यों वन पे मीन्स जो मैग्नीट्यूड है चार्जेस के उन पर डिपेंड नहीं करती डिस्टेंस पर भी डिपेंड नहीं करती वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ चार्जेस पे ठीक है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस फ्री स्पेस वैक्यूम या एयर के लिए जनरली हम एप्सलॉन नॉट का यूज करते हैं ओके नाउ इफ फ्री स्पेस इज रिप्लेस्ड बाई अ मीडियम ठीक है अगर हम फ्री स्पेस को किसी मीडियम से रिप्लेस कर दें तो वहाँ एप्सलान नॉट के प्लेस पे एप्सलन हो जाएगा ठीक है और जो टर्म मिलेगा यहाँ जैसे एफ इज इक्वल टू एफ फोर मीडियम वन बाई फोर बाई एप्सलन सॉरी ओनली अप्सलन क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर तो हम इन दोनों इक्वेश से अगर डिवाइड करें सो एफ बाई एफ एम ठीक है फोर्स फॉर फ्री स्पेस एंड फोर्स फॉर मीडियम इज इक्वर्स टू क्या होगा अप्सलॉन बाई अपसेन नॉट ठीक है और इसी को बोलते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी ठीक है इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं मीन्स किसी भी मीडियम की परमिटिविटी एयर के रिस्पेक्ट में अगर आप रिप्रेजेंट करें सो दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी इसे डायलेक्टिक कॉन्स्टेंट भी कहते हैं ठीक है तो ये आपका एक पैराग्राफ हो गया इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन कुलम स्लो एफ इज्स टू के क्यून क्यू टू बाई आर स्क्र देन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द प्रपोशनलिटी कॉन्स्टेंट के डिपेंड्स ठीक है के किस पर डिपेंड होता है ये कुलम का जो फॉर्मूला है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है अब यहां पर बोला है कि के जो है दिस इज द कॉन्स्टेंट टर्म बट के किस चीज पर डिपेंड होता है तो ऑप्शन हैं आपके फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स पर डिपेंड होता है नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस ठीक है टू चार्जेस किस मीडियम में है कि उस उनका नेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है या ऑप्शन नंबर सी मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस Q1 वन एंड क्यू जो मैग्नीट्यूड है उन पर डिपेंड करता है या लास्ट ऑप्शन है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस आर पे डिपेंड करता है सो so जनरली मैंने आपको क्या बोला है के जो कॉन्सटेंट टर्म है वो जिस फॉर्मूले से बना है उस पर डिपेंड नहीं करता उन क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करता के कि किस पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम ऑफ चार्जेस ठीक है तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर टू डायमेंशनल फार्मूला फॉर द परमिटिविटी कॉन्स्टेंट अफसला नॉट ठीक है अफसला नॉट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा यहाँ से तो आपने जो फार्मूला रीड किया है फार्मूला स्टडी किया है उसके बेसिस से एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो क्या होगी के की वैल्यू होती है वन बाई फोर बाय एफ्सुलान नॉट तो अफ्सलान अगर आप इस साइड ले लें ठीक है एल में ले लें तो यहाँ अफ्सलान नॉट इज इक्वल टू क्या होगा क्यू वन क्यू टू तो इस तरह से ही रहेंगे फोर जीरो में आ जाएगा ठीक है फोर बाई एंड एफ इंटू आर स्क्वायर ठीक है तो सभी के डायमेंशनल फार्मूला आपको कोट कर दीजिए ठीक है एंड क्यू और क्यू वन इनका जो रिलेशन होता है करंट से आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी ये हमने क्लास टेंथ में सिंपल सा फॉर्मूला स्टडी किया यहाँ से क्यूब की जो वैल्यू है दैट इज आई टी क्या होगा आई टी एंड अगेन आई टी ठीक है मीन्स करंट इनटू टाइम करंट इंटू टाइम सो फोर्स इंटू आर स्क्वायर बस डायरेक्टली आपको डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर पुट करना है आई के लिए एम्पियर ठीक है करंट की जो यूनिट होती है दैट इज एम्पियर एंड टी फोर टाइम एंड अगेन ए एंड टी ओके यहाँ फोर्स के लिए एम ए मीन्स मास एंड ए मीन्स एक्सेलरेशन सो एल टी माइनस टू एंड आर मीन्स लेंथ ठीक है तो यहाँ से आप कर सकते हैं एम की पावर माइनस वन ठीक है एम न्यूमरेटर में जाएगा एल की पावर वन एंड एल स्क्वायर एल की पावर थ्री एल की पावर माइनस थ्री हो जाएगा न्यूमरेटर में एंड टी की पावर माइनस टू ठीक है और यहाँ टी की पावर टू है सो माइनस टू ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा सो टी की पावर फोर होगा एंड हियर ए स्क्वायर सो अवर ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ वन कोलम इच कैप्ट वन पार्ट पार्ट इन अ वैक्यूम ठीक है मीन फोर्स क्या होगा अगर आप चार्जेस की वैल्यू को वन कोलम फूट करें ठीक है टू चार्जेस आपके पास हैं और उन दोनों चार्जेस की जो वैल्यू है वो सेम है ठीक है और डिस्टेंस वन मीटर हो तो आपके पास फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा यहाँ पर क्यों क्योंकि सेम चार्जेस है तो आपके पास फॉर्मूला है फिजिक वर्स टू क्या है के q1 q2 क्यू टू बाई आर स्क्वायर ठीक है यहाँ पर बस k की जो वैल्यू होती है दैट इज नाइन इंटू टेन पावर नाइन और सभी के प्लेस पे आपको यूनिट पुट करना है मीन वन वन पुट करना है इधर सो फाइनली आपके पास जो आंसर होगा दैट इज नाइन इंटू टेन पावर नाइन सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ टू आइडेंटिकल चार्जेस रिपेल इच अदर विद अ फोर्स इक्वल टू टेन मेगा वॉट वेन दे आर जीरो पॉइंट सिक्स मीटर अपार्ट इन एयर द वैल्यू ऑफ इच ठीक है मीन्स आपके पास टू आइडेंटिकल चार्जेस हैं और जिनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक है टू आइडेंटिकल मींस सेम जो वैल्यूज होंगी उनकी वो सेम होगी ठीक है अब यहां पर जो फोर्स होगा फोर्स गिवन है फोर्स टेन मेगावाट है ठीक है मीन्स मिलीग्राम वॉट है एंड दे आर जीरो पॉइंट सिक्स मीटर दोनों एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पर हैं जीरो पॉइंट सिक्स मीटर तो इनकी सबकी वैल्यूज को आपको पुट करते हैं चार्जेस की वैल्यू को फाइंड करना है ठीक है तो एक्चुअली स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ देखिए फोर्स की वैल्यू आपके पास गिवन है ठीक है और फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज के क्यू वन क्यू टू सेम है दोनों ठीक है सो क्यू ही हम सपोज कर लेते हैं एंड आर स्क्वायर तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर हो जाएगा एफ की वैल्यू फोर्स की वैल्यू क्या होगी ये गिवन है आपके पास फोर्स जो है वो पहले आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर टेन इंटू मास इंटू एक्सलेशन होगा ठीक है एम जी सो टेन इंटू टेन पावर माइनस थ्री ये तो हुआ एम की वैल्यू ठीक है मास की वैल्यू एंड जी की वैल्यू क्या हो जाएगी टेन तो टेन एंड आर आर की वैल्यू क्या है यहाँ जीरो पॉइंट सिक्स मीटर सो मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट सिक्स इंटू जीरो पॉइंट सिक्स एंड डिवाइडेड बाई के सो के इज नाइन इंटू टेन पावर नाइन तो इससे आप कैंसल आउट करेंगे तो आपके पास फाइनल जो इक्वेशन है क्यू स्क्व फोर इंटू टेन पावर माइनस ट्वेल्व होगा ठीक है ट्वेल्व कूलम एंड q इज टू होगा टू इंटू टेन पावर माइनस सिक्स अब यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है बट यहाँ कूलम भी है ठीक है सो माइनस सिक्स को रिप्लेस करेंगे तो यहां पर आपका माइक्रो कुलम में कन्वर्ट हो जाएगा सो दैट इज डी इज योर आंसर एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कुलम स्लो फॉर द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस मोस्ट क्लोजली रिसेम्बल्स विथ कुलम स्लो किस फोर्स के ज्यादा क्लोज है ठीक है मतलब किन से कुलम स्लो मैच खाता है तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी न्यूटन स्लो ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन सेकेंड लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लो है वो बहुत सिमिलर है कोलम्स लो के ठीक है सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ओके सो दिस आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोलम्स लो नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में कुछ गिवन है पहले वो स्टडी करते हैं फटाफट से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइंस ठीक है किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो नंबर ऑफ लाइन आप पता कर लें नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है और नंबर ऑफ लाइन जो लेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर लेस होगी ठीक है तो इस तरह से एंड कटिंग यूनिट एरिया एलिमेंट प्लेस नॉर्मल टू द फील्ड एट दैट पॉइंट ठीक है अगर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के किसी भी पॉइंट पर आपको डायरेक्शन चाहिए तो उस पॉइंट से नॉर्मल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए तो वहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन फाइंड आउट हो जाएगी ठीक है इस तरह से एक डायग्राम गीवन है आपके पास एंड इस डायग्राम में ये वाला जो रीजन है यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा क्लोजर हैं सो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी ठीक है एंड यहाँ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है सो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी ठीक है so, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में इस तरह से कुछ इंफॉर्मेशन है अब इन पे क्व... बेस्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स अबाउट तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आउटवर्ड निकलती है तो रेडियली आउटवर्ड इज़ योर आंसर नेगेटिव चार्ज से लाइन्स रेडियली इन्वर्ड होती है ठीक है नेगेटिव चार्ज की तरफ लाइन्स होती है एंड पॉजिटिव चार्ज से टूअर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द चार्ज लाइन्स होती है ठीक है सो दिस इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर कर्ड कहाँ पर कर्ड होती है सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है अगर टू पॉजिटिव एंड इक्वल चार्जेस है तो वहाँ पर भी कर्ड होगा एंड टू लाइक चार्जेस है ठीक है रिपेल करेंगे एक दूसरे से तो वहाँ पर भी सो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन आपका फॉल्स है सो फर्स्ट इज दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑफ और नेगेटिव चार्ज ठीक है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव की तरफ जाती है ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट नाउ ऑप्शन नंबर बी दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ चार्ज यस ये जो है परपेंडिकुलर होती है सरफेस ऑफ चार्ज के एंड ऑप्शन नंबर सी दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लुक यस yes, ये जो ऑप्शन है दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन क्यों क्योंकि तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती ठीक है थीके? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में क्लोज कर्व बनता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में लाइन्स पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव पर आ जाती है ठीक है नेगेटिव से अगेन पॉजिटिव पर नहीं आती है तो ये यहाँ पर आपका क्लोज कर्व वो नहीं है सो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर ठीक है सो डी डी भी देख लेते हैं दे आर पैरल इक्वली स्पेस्ड इन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म यस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पैरल होंगी एंड इक्विड डिस्टेंस होंगी सो so, ये जो है ये सभी पॉइंट्स जो हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के प्रॉपर्टीज़ है ठीक है आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में पढ़ा है तो इन प्रॉपर्टीज के बारे में भी जरूर स्टडी किया होगा नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स इज नॉट पॉसिबल पॉसिबल नहीं है कौन सा पैटर्न नहीं है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज कर वो नहीं बनाती है तो यहाँ पर तो क्लोज है चलो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट ओके नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ में मैं आपको बता देती हूँ क्या आपको करना है ठीक है क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको ये बताना है पॉइंट ए बी एंड सी कहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी ठीक है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ठीक है उस फिर उससे कम उससे जाता है इन तीनों पॉइंट पर आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ठीक है तो यहां पर आप देखिए पॉइंट ए पॉइंट ए जो है वो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं इसके आसपास लाइन्स हैं सो so, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी मैक्सिमम होगी सो ई ए ओके एंड अगेन यहाँ पॉइंट बी पर आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पास में है ये बजाय इस पॉइंट के क्योंकि इस पॉइंट ये पॉइंट जो सी है उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो बी पर स्ट्रॉन्ग होगी बी पर मोर होगी एज कम्पेयर टू सी ठीक है तो सबसे ज़्यादा ए पॉइंट पर फिर बी एंड फिर सी सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर सो दिस आर द क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ट अब हम नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग आपसे डिस्कस करने वाली हूँ ठीक है और कुछ सरप्राइजेस भी है सो वेट एंड वॉच एंड तब तक खुश रहिए मुस्कुराते रहिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच